ജാർഖണ്ഡിലെ ജാംതോഡ ആദിവാസി മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള കരുത്തയായ ഒരു പോരാളിയാണ് ഇന്ന് നമുക്കൊപ്പം ഉള്ളത്, സഖാവ് ലക്കി സൊറൻ. അവരുടെ ഭർത്താവ് സുരേന്ദ്ര മുർമുവിനെ 2009 ഓഗസ്റ്റിൽ ഭൂസ്വാമിമാരും അവരുടെ ദല്ലാളുകളും ചേർന്ന് കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. ആദിവാസി ഭൂമി തട്ടിയെടുക്കാനുള്ള വലിയ ശ്രമം തടഞ്ഞതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ്, തടഞ്ഞതിന് പ്രതികാരമായിരുന്നു ആ കൊലപാതകം. ലക്കി സൊറനും പുറത്ത് മാരകമായി കുത്തേറ്റിരുന്നു. ആ കുത്ത് ഇപ്പോഴും അവർ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. കത്തികൊണ്ടുള്ള, കഠാര കൊണ്ടുള്ള മാരകമായ കുത്തിനെ അതിജീവിച്ചാണ്, ആക്രമണത്തെ അതിജീവിച്ചാണ് അവർ ഇന്ന് ഈ സമ്മേളനത്തിൽ കർഷകർക്കൊപ്പം, കർഷക സംഘത്തിനൊപ്പം അണിനിരക്കുന്നത്. വലിയ സമരങ്ങൾ, കർഷക ഭൂമി സംരക്ഷിക്കാനുള്ള വലിയ സമരങ്ങളുടെ മുന്നണി പോരാളിയായി ലക്കി സൊറൻ ജാർഖണ്ഡിൽ ഉടനീളമുണ്ട്. നമുക്ക് അവരോട് സംസാരിക്കാം. इस लाल झंडे में हम जुड़े हुए हैं. पहले से मेरा हस्बैंड भी जुड़ा हुआ था, पहले सीपीआई में था. इसलिए हम सीपीआई वाला का तो कोई आंदोलन का नहीं है, कोई का मुर्दा का बोलते हैं तो गरीब के लिए नहीं चल रहा है. तो इसलिए 1997 से माले में आ गए हैं. माले में जो माले में कल आया था ना, उस पट्टी दीपंकर भट्टाचार्य, उस टाइम दीपंकर भट्टाचार्य तो सीपीएमएल सीपीएमएल तो एमएल में था. हैं सीपीआई से एमएल में गए. हैं एमएल में गए तो एमएल में गए तो इस टाइम 1997 में जोड़े 2003 में 2003 में घटना घटा. हम ही लोग को माओवादी बोल के मैंने ये कर दिया. पुलिस लोग हैं, अरेस्ट कर दिया. सब दुमका जिला और जामताड़ा का हम ही लोग का संगठन सब बोल दिया जे माओवादी उग्रवादी लोग है. तो उस टाइम माले वाला दीपंकर भट्टाचार्य वो हमें लोग को बोल दिया जे हमें लोग का आदमी नहीं बोल दिया. अच्छा, सिर्फ बोल दिया. तो मेरा हस्बैंड को दीपंकर आपको छोड़ दिया. हैं छोड़ दिया वो बोल दिया जे हमें लोग नहीं है. तो उस टाइम क्या क्या उन लोग जो जिला स्तर का नेता है, राजस्थान का नेता है, वो वहाँ का था मोहन दत्ता रामगढ़ का था. उसका दायित्व तो सतल परगना में था. तो वो क्या पिपार कर दिया जे माले से सुरेंद्र मुर्मू निकल गया. तो दुश्मन लोग सब सुजुग मिल गया. तो मेरा हस्बैंड भी वो सुरजीत दा जो किसान सभा का सेक्रेटरी उससे बात किया है जे दादा हमको तो निकाल दिया माले से, पहले कहाँ जाएंगे अभी. तो सुरजीत दा बोला कि हैं ठीक है, सीपीएम में आ जाइए. हैं सीपीएम में आ जाइए. तो सीपीएम में आया, मैंने आने के लिए बात किया है. तो 2004 में हम लोग जो किसान को जुटे थे, तो किसान दो हिस्सा चल रहा, तीन हिस्सा चल रहा था, तो आधा आधा बंटवारा किसान को हम लोग दिलवाए हैं. इस पर वेतन भी हम, मजदूरी भी 200 रुपया दिया दिलवाया हैं. तो दलाल लोग जुट गया है और कुछ करेगा, जिंदा रहे तो अब और कुछ करेगा. तो इस टाइम 2009 में मर दिया, घर घुस के मर दिया. आपका भी हमारा है. अच्छा, फौजा मर दिया था, चाकू से मारा. तो हम चुप हो गए हैं. तो वो लोग हस्बैंड के साथ घर घुस के मरा. तो दलाल लोग को समझ में आ गया जो मर गए, दोनों मर गए.
हत्यारों को अरेस्ट कर दिया, अरेस्ट किया हत्यारों है, है। चार साल सजा, सजा तो चार साल रह गया जेल में, चार साल है, चार साल पैसा दे के वो लोग बच गए, बच गया। तो अभी तो अपील भी नहीं करे है, पैसा तो लगेगा ही, तो पैसा हम लोग 20 साल का सजा हुआ था, अपील करके निकल गए। अच्छा, तो आंदोलन चल रहा है ऐसे भी, अभी भी हम लोग को। आप वो जगह ट्राइबल सेटलमेंट है ना पूरा, ये जामतोरी है, जामतोड़ा दुमका जामतोड़ा आदिवासी ट्राइबल छोटोनाथ सतलपुर को ना छोटोनाथपुर ये आपके ट्राइबल वो फॉरेस्ट लैंड वन भूमि वो लूट करने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं, लूट करने के लिए ये दलाल लोग, दलाल लोग जमींदार 42 मौजो ऐसे संपत्ति है, 42 मौजो है, वो एक बयालीस मौजो वहाँ का जमींदार का जमीन है। तो हम लोग खेती आबादी करके जीवित जापन करते हैं, तो अभी आज हम लोग खेती करते हैं, बंटवारा करके वही से हम लोग मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अभी बाकी है, चल रहा है लड़ाई 50 एकड़ चल रहा है, हम लोग को पुलिस तनाव करता है, अभी भी केस हुआ है धान कटने में 16 आदमी।